ओ भाई साहब, डेढ़ घंटे बाद अभी हेलमेट खोला है। मॉर्निंग दोस्तों, और एक नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप इससे पहले आपने बी रोल देख ही लिया होगा कि अपन कहीं बाइक पे निकल रहे हैं, और बाइक भी आपने देख लिया होगा कि हिमालयन है। और अपन निकले हैं 4 घंटे की बाइकिंग पे, और ये देखो मेरे साथ तो हेलो। और जो पुराने लोग हैं वो तो देख ही चुके हैं, क्योंकि होली पे आया था तो इसी बाइक पे अपन ने होली मनाई थी। आज संडे है, इसको टाइम ही नहीं मिल पाता है क्योंकि भाई जियो वालों ने जान खा रखी है। तो जियो टेलीकॉम में इंजीनियर है ये, तो आज संडे था तो फिर उसने कहा कि चलो एक राइड मार के आते हैं। तो 4 घंटे की राइड है, तो आज स्टे करेंगे हम लोग, और मुझे भी पता नहीं है कहाँ जा रहा है, तो ये लेके जा रहा है, मेरे लिए भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और अपन जोरहाट के हाईवे पे आ गए, और हम लोग जा रहे हैं अभी डिब्रूगढ़ और शिव सागर की तरफ। ठंड है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है, बाइकिंग के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि गर्मी में तो अभी तक मतलब पसीना निकल चुका होता है हेलमेट के साथ, लेकिन ठंड है, हवा लग रही है और धूप निकल आई है, तो इसलिए सब कुछ अच्छा चल रहा है। आवाज़ अगर गड़बड़ आए तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि माइक नहीं है। अभी मितेश ने जो माइक ली है, इससे पहले आपने ब्लॉग देखा होगा, तो वो वाली माइक लेनी पड़ेगी। ये 4 लेन का काम चल रहा है, जो गुवाहाटी से मैं बस में आया हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ तो बन गया है, लेकिन इस तरफ थोड़ा सा काम स्लो है, तो इस तरफ अभी बन रहा है। तो ये पूरा बॉर्डर तक जाएगा, एकदम अरुणाचल तक मिलेगा, तो गुवाहाटी से अरुणाचल फिर एकदम चकाचक हो जाएगा। टाइम इसलिए लग रहा है कि बहुत लोगों के घर तोड़े गए हैं, उनको एक्वायर किया गया है, फिर बहुत लोगों ने केस डाल दिया था, तो भाई हमारे डेमोक्रेसी में ये तो होगा कि काम बहुत धीरे धीरे होगा, क्योंकि बहुत लोगों का फिर केस चला जाता है, फिर इससे लेना पड़ता है। तो चाइना में होता तो अभी तक 2-3 साल में बन चुका होता है। और आवाज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये मुझे डालना पड़ रहा है क्योंकि धूल देखो थोड़ा सा ऑफ रोडिंग आ गई है। और आज संडे है तो फिर इस तरह की मार्केटें लगती हैं, तो जो संडे बाजार करते हैं तो गांव से सारी सब्जियां आती है, लोकल सब्जियां हैं ये यहाँ की, तो इस तरह का मार्केट आपको बीच बीच में मिल जाएगा हाईवे के किनारे किनारे। कार वार लेके लोग आए हैं, तो हफ्ते भर की सब्जी लोग अभी संडे के दिन में परचेज कर लेते हैं, क्योंकि ये सब लोकल और ऑर्गेनिक सब्जियाँ हैं। जोरहाट के बाद एक सिटी पड़ती है, टियोग बोलते हैं इसको, और शिव सागर से पहले है, और ये रोड है जो अरुणाचल तक जाती है, चाइना बॉर्डर तक जाती है यहीं से। तो फिर काफ़ी कुछ बाइकर हमें नज़र आए कि शायद वो लोग वहाँ से राइड करके आ रहे हैं। हाईवे के किनारे किनारे तो घर है, लेकिन देखो सुपारी के पेड़ मिलेंगे हर एक घर में, आगे गार्डन मिलेगा, ये बेम्बू मिलेगा, और बीच बीच में घर मिलेंगे, तो समझ लो कि ये जो झाड़ है इसके बीच में बहुत अच्छे अच्छे घर है। तो आसाम मतलब ये देखो अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, तो बाहर से लगेगा झाड़ है जंगल है, लेकिन अंदर बहुत अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और सोचो ऐसे जगह पे कहाँ पॉल्यूशन होगा इतने पेड़ों के बीच में, तो इस तरह के यहाँ पे घर बनाए जाते हैं। और हाईवे से भी अंदर रोड जा रही है पतली पतली, तो अंदर जाके गांव है, तालाब मिलेगा, उसमें फिश वगैरह मिलेगी, पीछे की तरफ किचन गार्डन मिलेगा, तो यहाँ पे सब लोग अपने किचन गार्डन से खाना वाना उगा लेते हैं।
तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ का। और देखो ये कितना खूबसूरत है, देखो कोशिश होती है कि घर से ही मिल जाए सब कुछ, बाहर से ना खरीदना पड़े। हाँ दाल वाल खरीदनी पड़ती है, लेकिन सब्जी वगैरह फिश हो गए चिकन वगैरह हो गया तो वो तो घर से ही मिल जाता है। और ऐसी गलियाँ हैं तो अंदर जाओगे तो और गांव मिलेंगे। बीच बीच में ये काम चल रहा है 4 लेन का, तो इस तरफ काफ़ी कम काम हुआ है, लेकिन बीच बीच में पैचेस में काम चालू है। और ये जो पीला पीला आप देख रहे हो वो धान की खेती है पूरी, तो अभी कई जगह धान कट चुके हैं, कई जगह लगा हुआ है अभी, तो ये पूरा मतलब खेती है। और आगे जो आप पेड़ पौधे देख रहे हो ना, ऐसे ही मतलब पतली पतली सड़कें हैं, वो सब गांव है अंदर। यहाँ भी 4 लेन का काम बीच बीच में चालू है, और यहाँ पे टाइम इसलिए लग जाता है ना क्योंकि बहुत नदी नाले हैं, तो हर जगह पुल बनाना पड़ता है, और जब पुल वगैरह बनाना पड़ता है तो टाइम लग जाता है। तालाब होता है और उसके पीछे घर होता है, तो यहाँ पे फिश वगैरह, और पानी की ज़रूरत होती है तो पानी की ज़रूरत यहीं से पूरी हो जाती है, और फिर ज़मीन को भी पानी मिलती है तो बह नहीं जाता है, तो मतलब ज़मीन भी रिचार्ज हो जाता है, तो उस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ का। और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा खोदने पर पानी निकल आता है, क्योंकि सब ने पानी बचाने का अभियान, मतलब ये तालाब है इसमें मच्छी भी पालन होता है, फिर गार्डन के लिए पानी भी मिल जाता है, घर के काम के लिए पानी मिल जाता है, तो बहुत मतलब अच्छा कॉन्सेप्ट है। लेकिन अभी ये भी ख़त्म हो रहा है, जहाँ जहाँ अभी ये थोड़ा हम अंदर की तरफ आए हैं तो ये मिल रहा है देखने को, लेकिन ये पहले बहुत जगह हुआ करता था, लेकिन अभी ज़मीन चाहिए तो ये तालाब बंद हो रहे हैं, मिट्टी डाल रहे हैं और घर बन रहे हैं। तो जैसे हर शहर में हो रहा है तो यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, लेकिन जब आप अंदर घुसते हो आसाम के गांवों में तो इस तरह का कॉन्सेप्ट अभी भी मिलता है। और देखो घर वर बहुत अच्छा है, RCC मकान है, सब सीमेंटेड मकान है, और सब बहुत मतलब वेल टू फैमिली के परिवार वाले लोग हैं। तो मतलब बहुत लोग सोचते हैं ना आसाम है जंगल है तो भाई वहाँ गरीबी है, और ऐसा ऐसा नहीं है, देख लो बहुत सही मतलब बंगलो है, मुंबई में तो इनको बंगलो कहेंगे। की राइड हो गई है हमारी, हम लोग चले थे 9:20 पे और अभी 10:40 हो गए, अभी समझ लो कि आधा भी नहीं पहुंचे। हिमालयन पे तो फिर बात ही कुछ और है यार, अगर दूसरी बाइक होती तो अलग बात थी, लेकिन हिमालयन तो हिमालयन है भाई, तो इसके साथ इमोशंस है। ये यहाँ का फेमस है तलातल घर बोलते हैं इसको। ओ भाई साहब, 1.5 घंटे बाद अभी हेलमेट खोला है, तो अभी हम आधे भी नहीं पहुंचे। तो एक्चुअली क्या है, ये टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ से असम की हिस्ट्री जुड़ी हुई है। तो स्कूल के बच्चे हैं यहाँ पे, तो हिस्ट्री रिलेटेड है असम के, तो वो दिखाने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो उस तरह का प्लेस है ये पूरा का पूरा। तो अपन अभी अंदर नहीं घुसेंगे क्योंकि जो असम वाले हैं उनको तो पता है, लेकिन बात यह है कि जो बाहर वाले हैं ना उनको नहीं समझ में आएगा, तो उसके लिए जब कभी आएंगे तो पूरा एक मतलब ब्लॉग बनाना पड़ेगा, पूरा हिस्ट्री समझाना पड़ेगा। और हिमालयन पे तो पिलियन में बैठा हुआ हूँ, तो शूट वगैरह करना है, तो इसीलिए अरूप ही चला रहा है, तो अपन चलाएंगे तो फिर शूट वगैरह रह जाएगा, तो इसलिए अपन। और दूसरी बात यह है कि मैं अपना लाइसेंस ना मुंबई भूल आया हूँ, तो लाइसेंस ले नहीं लेके आया हूँ, तो इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा हूँ। तो आजकल लाइसेंस वगैरह ना हो और धर लिया है तो 5,000 का फाइन लग जाएगा, तो इसलिए वो रिस्क नहीं ले रहा हूँ। रंग घर है तो इसकी अपनी हिस्ट्री है, तो फिर आज बस ऊपर ऊपर से देख रहे हैं, और कभी फिर मौका मिला तो स्पेशली यहाँ आएंगे और पूरा हिस्ट्री बताएंगे।
जो ब्रिज है पहले खुलता था। अच्छा, बीच में से खुल जाता। ये ब्रिज भी दो पार्ट में अलग हो जाता था, तो यहाँ से पानी के जहाज वगैरह आते थे। तो अभी तो पानी नहीं है, तो अब वो जमाना नहीं रहा। अपन थोड़ा बाहर बाहर से निकल रहे हैं क्योंकि अपने को जाना नहीं है अंदर। तो अपने को अपनी राइड अलग है, तो यहाँ से 2 घंटे 2.5 घंटे की राइड और है। बीच बीच में ऐसे तालाब मिलेंगे, और जो शिव सागर है ना, यहाँ पे बहुत तालाब है। जैसे खाने को लेक सिटी कहा जाता है, तो यहाँ भी शिव सागर ऐसा है कि बहुत लेक्स है, बड़े बड़े लेक्स हैं यहाँ पे।